नमस्कार आदाब सत मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ ऑफ द हिंदू एंड एंड अदर सो दिस नवंबर 2020 विद मी पांच और छह नवंबर की खबरों में आप सभी का स्वागत है रोज सुबह ये क्लास आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूं और इस क्लास के तुरंत बाद रहती है एक एमसी क्लास उम्मीद करता हूँ आप दोनों क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं जरूर कर रहे हैं ओके okay, सो so कल हमारी क्लास नहीं हुई थी तो इसलिए आई थिंक कि पंद्रह मिनट पहले क्लास शुरू की जाए ताकि आपकी जो Uh, कुछ पेंडिंग खबरें रह गई हैं उनको कवर कर लिया जाए राइट right. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एंड इन केस अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एन टी आई कोड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन जस्ट आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट पेमेंट मोड पे पहुंच जाएंगे और आप इजीली उसको पे कर सकते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो रेफरल कोड के फॉर्म में एन नीति यूज़ कर सकते हैं आप फोर टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए ओके एंड एनअकेडमी प्लस के जो बैंक एग्जाम कैटेगरी के प्राइसेस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाले हैं तो इन केस अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने की जल्दी से आप परचेज कर सकते हैं राइट right. एंड uh, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस एज वेल एज दी पी डी आपको अपडेट्स मिलती रहे राइट right. ओके okay. उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको सही दिखाई दे रही होगी ओके okay, अच्छे से uh, सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आगाज करते हैं पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर है हमारे सामने आई आर ई डी ए आई आर ई डी ए दैट इज द इंडियन रिन्यूएल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्य एनर्जी के साथ सो so यहाँ पर इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एंड इसके तहत उन्होंने टारगेट रखा है रेवेन्यू टारगेट की मीन्स इतनी इनकम हो इनकी इतनी रेवेन्यू जनरेट करने का एक टारगेट है टू करोड़ ओके सो दो करोड़ यहाँ पर किया गया है यहां पर एंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर उम्मीद कर रहा हूं आपको पता होगा एंड दी क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले इसको डिस्कशन में किया था अच्छे से और uh, और रही बात हाँ ये हमने बैंकिंग क्लास में किया था जो छह बजे सुबह स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे होती है पिछले दो दिन से क्लास नहीं हुई है हम कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे ठीक है कल तो वैसे ही मैंने पहले ही बता दिया आपको ऑफ है आज ही क्लास में जल्दी शुरू करनी थी दैट्स दैट मैंने वो क्लास नहीं ले पाए तो कल से हम उसको कंटिन्यू करेंगे ओके सो एम ओ यू वाज साइन बाय दर ई सेक्रेटरी इंदु शेखर चतुर्वेदी एंड आई आर ई डी एस सी एम डी प्रदीप कुमार दास ओके सो so, ये दोनों के दोनों इन दोनों के बीच में एमओ यू साइन

के तो सेक्रेटरी हैं और वैसे मिनिस्टर हैं आपके राजकुमार सिंह जिसका जो कि न्यू दिल्ली में आपकी मिनिस्ट्री है राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम महाराष्ट्र uh, गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एमओ यू दैट इज थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ एम ओ यू फिफ्टीन कंपनीज ड्यूरिंग द मैग्नेटिक महाराष्ट्र इन मुंबई सो पर एक एमओ यू साइन किया है महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमओ यू साइन किया है थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज का यू साइन किया गया पंद्रह कंपनीज के साथ जिसमें दस इंडियन एंड द पांच ग्लोबल कंपनीज है और ये किया गया कहां पर मैग्नेटिक महाराष्ट्र टू पॉइंट ओ इन्वेस्टर मीट जो भी मुंबई में हो रही थी ओके okay, सो so यहां पर एग्जाम पॉइंट से

आई एस सी एंड द आईओ सी ने एक टाइप किया है एंड जिसके तहत हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है आई आई एस सी एंड द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एक कैम साइन किया है जिसके तहत आपका हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट को की बात की गई दैट इज बेस्ड बायोमास 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 गैसिफिकेशन गैसिफिकेशन ओके क्या है है ये एक प्रोसेस द द कन्वर्टिंग टू हाइड्रोजन एंड अदर प्रोडक्ट्स ओके बायोमास को आपका हाइड्रोजन एंड अदर प्रोडक्ट्स में आपका कन्वर्जन करने का एक प्रोसेस दैट इज द बायोमास गैसिफिकेशन ये प्रोसेस में आपका कंबशन को इंक्लूड नहीं किया जाता कंबशन इन्वॉल्व नहीं रहती बट यहां पर आपका विद द हेल्प ऑफ द स्टीम हीट एंड ऑक्सीजन इससे यहां पर प्रोडक्शन की जाती है एंड ये आपकी टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट डेवलप बाई दी आई टू प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन रिच सिंथेटिक गैस फ्रॉम दी बायोमास सो इस पर्टिकुलरली चीज के लिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर एक्सएमओ एमओ साइन किया गया है दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का सो so यहाँ पर ये यह एमओयू के तहत ये आपकी एक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी सो so यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड एट द इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि फरीदाबाद में है यहाँ पर ये आपका प्लांट में ये काम किया जाएगा सो एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आई ने किसके साथ आई के साथ टाइप आई ने किसके साथ आई के साथ जस्ट एक वाइस वर्षा या फिर आई आई ने किस

ड्राफ्ट रूल्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द अप्रैल 2021. सो so, यहाँ पर आपका अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट किए जाएंगे क्या कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. ओके okay, सो so ये एक अमेंडमेंट या फिर एक कुछ नए कोड्स या फिर कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड टू लेबर लॉज आप कह सकते हैं सो so ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे अप्रिल्वेंटी okay, हाँ ट्वेंटी okay, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाए गए थे यहां पर उन्ही की बात की गई है उनको ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया चार बिल्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उनतीस लॉज जो थे उनको उन चार में करने की बात low सभी सभी की लेबर लेबर का कहने का यहाँ पर मतलब है जो लोग आपके लेबर के फॉर्म में आपका काम करते हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में से ये लॉज उन पर एप्लीकेबल रहते हैं ओके सो दिसन को इसमें कुछ हाईलाइट

उससे ज्यादा 300 से ज्यादा वर्कर्स यहां पर एम्प्लॉय हैं, वहीं पर एप्लीकेबल रहेंगे क्स्ट आपका एक स्ट्राइक से रिलेटेड इन्होंने रूल दिया है कोई भी पर्सन आपका स्ट्राइक पर नहीं जा सकता विदाउट अ विदाउटी डेज नोटिस यानी कि जो भी स्ट्राइक अनाउंस करनी है वो साठ दिन पहले अनाउंस आपको करनी पड़ेगी दिन पहले आप जब तक अनाउंस नहीं करेंगे आप स्ट्राइक पर नहीं जा पाएंगे आप हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे एंड द कोड ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन ऑफ रीस्किलिंग फंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स फॉर एन अमाउंट इक्वल टू फिफ्टीन डेज सो यहाँ पर पंद्रह दिन के अकॉर्डिंग पंद्रह दिन की अमाउंट के अकॉर्डिंग यहां पर उनकी ट्रेनिंग के लिए फंड प्रोविजन किया उनके फंड्स का प्रोविजन किया मैंने पंद्रह दिन क्योंकि जो भी सैलरी है जो भी उन्होंने लास्ट सैलरी उन्होंने ड्रॉ की है उसके इक्वलेंट उनका एक फंड बनाया जाएगा जो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग के लिए वर्क करेगा वो फंड जो भी उनकी 15 दिन की सैलरी होगी और ये आपके कोड है जो आपके पर उसमें आपके डीआरडीओ एंड इसरो ये दोनों के दोनों शामिल नहीं है ओके सो so यहाँ पर एग्जाम पॉइंट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ट्वेंटी कब से अप्लाई होने जा रहे हैं अप्रैल दो से आपका इंप्लीमेंट हो जाएंगे इसमें आपका कितने कितने आपका वर्कर्स की यहां पर बात की गई तीन सौ से ज्यादा वर्कर्स पर अप्लाई होंगे जहां पर 300 या 300 सौ ज्यादा वर्कर्स हैं एंड नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक के लिए कितने डेज का नोटिस इन्होंने कहा है 60 डेज नोटिस आपका दिया जाएगा री फंड के लिए कितने डेज की सैलरी को यहां पर कंसिडर किया जाएगा पंद्रह दिन की सैलरी और डी एंड इसरो इसमें शामिल नहीं है राइट ओके सो दिस इज द न्यूज नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं आयुष मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया के बीच में यहाँ पर एक टाइप हुआ है जिसके तहत स्ट्रैटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिएशन ब्यूरो को सेटअप करने की बात की गई है सो so दोनों के दोनों जो ब्यूरो है दोनों ये दोनों के दोनों जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इन्वेस्ट इंडिया दोनों के दोनों मिलकर आपका काम करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द आयुष सेक्टर आयुष सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम करेंगे एंड दट वुड सपोर्ट द आयुष मिनिस्ट्री टू मेक स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी मेकिंग इनिशियटिव

पोलिशन फैसिलिटेशन ब्यूरो सेटअप किया गया राइट आंसर इन्वेस्ट इंडिया रहेगा इन्वेस्ट इंडिया ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ किया है ये भी पूछ सकते हैं आयुष मंत्रालय के साथ किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष मंत्रालय आपका 2014 में आया था नया मंत्रालय था आपका और श्रीपद यशोनायक इसके यूनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है नेक्स्ट चलते हैं uh... इन्वेस्ट इंडिया के बारे में लिखा हुआ है यहां पर इन्वेस्ट इंडिया इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी है यह आपकी काम करती है डीआईपीपी के तहत काम करती है एंड इट इज एसोसिएटेड विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आपका इनके साथ एसोसिएटेड है राइट right. नेक्स्ट चलते हैं इंडियन uh, एयरफोर्स ने टेस्ट फायर किया है आपका टेस्ट फायर एयर लॉन्च वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल सो यहां पर आपका

जोन uh, मागुफुली इन्होंने दूसरी बार प्रेसिडेंट का पद जीना तंजानिया के प्रेसिडेंट आपके दूसरी बार सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट जोन मागुफुली ये आपके ऑलरेडी 2015 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे और अभी दूसरी बार आपके तंजानिया के प्रेसिडेंट के फॉर्म में सामने आए हैं ओके सो तंजानिया का द कैपिटल इज डोडोमा एंड द प्रेजिडेंट इज जोन मागुफुली एंड दंजानियन शिलिंग यहाँ की करेंसी है नेक्स्ट चलते हैं अलासीना कोतारा और लासीना कोतारा तारा वो ऑन दिस थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सो यहां पर प्रेसिडेंट आइवरी कोस्ट तीसरी बार एज दी प्रेसिडेंट के फॉर्म में अलासीना ओतारा ये बनी है ओके सो यहाँ पर प्रेसिडेंट आइवरी कोस्ट अलासीना ओतारा यहाँ की कैपिटल दो कैपिटल है यहाँ की पहली इज द फर्स्ट इज दामो सुकोरो एंड दूसरी है आपकी अबीजन एंड uh, करेंसी यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन सी फ्रैंक है सो so, यहां पर अलासीना ओतारा यहाँ के प्रेजिडेंट आइवरी कोस्ट के नेक्स्ट चलते हैं हम इंडिया की तरफ से यहाँ पर नेपाल को एक बार फिर से मदद की गई है और इस बार यहाँ पर 25.83 मिलियन नेपाली रुपीज के फॉर्म में पैसा दिया गया ट्वेंटी नेपाली रुपीज के फॉर्म में दिया गया यहाँ पर और ये एक नई बिल्डिंग ऑफ नेम दी भीम भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि नवलपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है इसके लिए यहाँ पर पैसा दिया गया है इंडिया के द्वारा दिया गया भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल ट्वेंटी नेपाली रुपीज के

पोर्ट सुडान में यहां पर पहुंचा आई एन एस आर्यावर्त ओके okay. आई एन एस आर्यावर्त किस के तहत पहुंचा ये पहुंचा आपका अंडर द मिशन सागर टू ओके okay. सो यहां पर पहले भी एक इनिशिएट किया गया था मिशन सागर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसके तहत जो भी उनके साथ में कंट्रीज आपकी हाँ फॉरेन कंट्रीज हैं उनको मदद पहुंचाई जाएगी उनके इस कोविड नाइनटीन पेंडेमिक के दौरान ओके okay. उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है लाइक दवाइयों की जरूरत है फूड की जरूरत है तो यहाँ से उनके पास सप्लाई पहुंचाई जाएगी हमारे इंडिया के नेवल शिप्स के द्वारा तो so यहाँ पर उसमें एक और नाम शामिल हो जाएगा है दैट इज पोर्ट सुडान पोर्ट सुडान यहाँ पर 100 टन का फूड यहाँ पर सो एट यहाँ पर फूड के फॉर्म में भेजा गया मिशन सागर टू की बात करें तो यहाँ पर आपका फूड डिलीवर किया सुडान साउथ सुडानी बोती एंड दर्तेरिया यहाँ पर इनको यहाँ पर सप्लाई करेगा फूड जिसके तहत अभी फिलहाल सुडान पोर्ट यहाँ पर अः सुडान को आपका दिया गया है आपका फूड एड भेजा गया है सूडान so uh, में आपकी कौन सी शिप पहुंची आर्यवर्त पहुंची आर्यवर्त अभी हाल ही मेंगर टू के तहत हंड्रेड टन ऑफ फूड लेकर कौन सी कंट्री पहुंची सूडान में पहुंची एंड दर कंट्रीज उसमें शामिल है सागर टू के तहत

नहीं ये मिनिस्ट्री नहीं है ये मिनिस्ट्री इज डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही है ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है ओके सो यहाँ पर आपका एग्जाम पढ़ने से मैंने सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो बन सकता है सागर की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर एक सागर की फुल फॉर्म भी है चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सागर की आपकी फुल फॉर्म क्या है ओके ऑलरेडी बहुत बार सागर वर्ड आ चुका है ऑलरेडी बहुत बार हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं फोर्टीन एशियन फिल्म सो यहां पर आपका फोर्टींथ एशियन फिल्म अवार्ड्स दैट इज द एशियन फिल्म अवार्ड्स एकेडमी अनाउंस किया विनर्स ऑफ द फोर्टी एशियन फिल्म अवार्ड्स जो कि बुजान साउथ कोरिया में बुजान साउथ कोरिया में हुई और यहाँ पर आपका इंडिया की एक मूवी दैट इज इंडियन मूवी बॉलीवुड मूवी गली बॉय गली बॉय की आपकी ओरिजिनल गली बॉय को आपका यहाँ पर म्यूजिक अवार्ड दिया गया गली बॉय के आपके करश काले एंड दलवेज ऑडियो कलेक्टिव इन दोनों ने मिलकर आपका जीता बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर द फिल्म गली बॉय जिसको डायरेक्ट किया जोया

इन्होंने म्यूजिक दिया था एंड uh, इसके अलावा अफवा के आपके स्टैटिक फैक्ट भूजान हॉन्गकॉन्ग एंड टोक्यो तीनों याद रख लीजिएगा एंड द चेयरपर्सन है डॉक्टर विलफ्रेड वोंग राइट नेक्स्ट चलते हैं हम ये कुछ uh, कुछ और अवार्ड्स हैं जो इसमें uh, प्रेजेंट किए गए इसमें अब आप कहेंगे कि सर कौन कौन सा याद रखना है तो सबसे पहले बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस ये तो याद रखना ही रखना है बेस्ट फिल्म का याद रख लेगा बेस्ट डायरेक्टर ये जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा कॉमन है और वो पूछा जाता है आपके एग्जाम पॉइंट से इन चारों में से ही आपका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है तो ये चारों तो आपके माइंड में एकदम से फिट होने चाहिए ये चार आपके माइंड में एकदम से फिट होने ही चाहिए हर हालत में बाकी अगर आप करना चाहे कर सकते हैं अगर नहीं होता तो आप छोड़ दिएगा बट इन चारों को जरूर याद करके जाइएगा नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट काफी चर्चा में रहा था काफी दिनों से ये चर्चा में रहा था हम आज कवर कर रहे हैं इसको सुपर टाइफोन गोनी हिट्स दी फिलिपींस ओके सो यहाँ पर आपका सुपर टाइफोन दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रॉन्ग आपके न... आपका माना जा रहा है ये और इसने फिलिपिनस को यहाँ पर टारगेट किया इस बार एंड यहाँ पर विंड्स इज हार्डेस्ट लैंडफॉल रिकॉर्ड अब तक का सबसे सबसे आपका कह स्ट्रॉन्गेस्ट ये स्ट्रॉन्ग रहा जो कि 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने मैक्सिमम विंड स्पीड आपकी पकड़ी एंड इसके अलावा इससे पहले जो टाइफोन गए थे वो 2016 में आपका यहाँ मेरानी एंड हयान आपके 2013 में देखने को मिला था राइट ओके सो यहाँ पर है आपका वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट स्टॉम सुपर टाइफून गोनी गोनी नाम याद रख ले कहां पर हिट किया फिलीपींस को टारगेट किया इन्होंने एंड 310 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम इसने विंड स्पीड अटेन की और इससे पहले मेरांती 2016 में एंड दी हायान आपके 2013 में आ चुके हैं ओके okay, फिलिपींस के वाले मैनीला एंड दी रोड्रिगो दुतरेते एंड द फिलिपिन पीसो वहां की करेंसी है नेक्स्ट चलते हैं इंडिया एंड मालदीव गेट थ्री न्यू यूनेस्को सो हमने ए... प्रीवियस करंट अफेयर्स की क्लास में एक न्यूज पड़ी थी जिसमें हमने देखा था जो पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व था उसको यहाँ पर दिया गया था यूनेस्को बायोस्फेयर रिजर्व में शामिल किया गया जो कि इंडिया का था इसके अलावा यहाँ पर मालदीव्स के दो शामिल किए गए हैं फूवा मुलायोस्फेयर रिजर्व एंड दोलोस्फेयर रिजर्व को भी शामिल किया गया है एंड इसके अलावा टोटल ट्वेंटी फाइव नई साइट्स को एड किया गया है एंड जिसको आपका इन एटीन कंट्रीज टू दी वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फेयर रिजर्व अब टोटल सात सौ चौदह बायोस्फेयर रिजर्व

न्यूजीलैंड वोटेड इन फेवर ऑफ द लीगलाइजिंग एथनेशिया। ओके सो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड के लोगों ने यहाँ पर आपका जो रेफरेंडम हुआ उसके तहत उन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ दी लीगलाइजिंग दी दिया फॉर पीपल विदर्मिनल इलनेस ओके सो यहां पर लीगलाइजिंग the euthanasia the decision was taken in aftermath of campaigners who were saying that people who are suffering extreme pain should be given a choice of how and when they want to bring their life to an end okay euthanasia ka matlab kya hota hai euthanasia ka matlab hota hai ki kuch log jo ki kafi zyada bimar hain jo ki apni uh, even इलाज तो हो पा रहा है but वो इलाज से भी अपने तंग आ चुके हैं और वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं basically उन लोगों को खुद ब खुद मरने की इच्छा होती है ओके और मरने की इच्छा को पूरा करना दी ओके okay? उनको उनको खुद 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 मार दिया जाता है खुद खुद उनको कहा जा, वो खुद कहते हैं कि मैं और और जीना पसंद नहीं करूंगा और मुझे आप आ, इस तरह से आप कीजिए कि मैं मर जाऊं आपका समथिंग like okay? so, होता है right? so, हाँ, न्यूजीलैंड को यहाँ पर न्यूजीलैंड के लोगों ने इसके फेवर में वोट किया एथोनेशिया आपका लीगल कर दिया है।, इंडिया में भी आपका जो है वो आपका लीगल कुछ हद तक है इंडिया में, पैसिव पैसिव में और ये आपका मार्च 2018 से आपका लीगल हुआ था इसमें क्या किया जाता है इसमें पेशेंट से पहले कंसेंट ली जाती है उसके बाद पैसिव एथोनेशिया का जो मतलब होता है वो होता है विद होल्डिंग ट्रीटमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएस ऑफ लाइफ

यहां पर आपका पेशेंट की डेथ हो सकती है सो so, इसी प्रकार को आप पैसिव एथोनेशिया कहते हैं मींस ऐसा कोई पर्सन जो इस तरह की सिचुएशन में है जो लाइफ सेविंग डिवाइसेस पर ही जीवित है जैसे डिवाइसेस हटाएंगे तो वो आपकी उसकी मृत्यु हो जाएगी सो दैट मींस द पैसिव एथोनेशिया इसका मतलब होता है पैसिव एथोनेशिया और वो इंडिया में आपका लीगल है सिंस 2018 ओके okay, सिंस 2018 ये आपका इंडिया में लीगल हो चुका है सो so, से हाल ही में कौन सी कंट्री में भी को legalize किया गया? Right answer, New Zealand रहेगा। यहां पर आपका इंडिया में कौन से प्रकार का लीगल है the Venus, इंडिया में यहां पर legal है। न्यूजीलैंड की बात करो तो कैपिटल वेलिंगटन है प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे आपके uh, currency है इसकी। राइट नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज की तरफ

तो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर ओके okay, सो so पर India, यहां पर कंपटीशन ऑफ इंडिया क्या किया जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक असेसमेंट किया जाता है कोई भी अगर दो कंपनी अगर मर्ज होना चाहते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी है से ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने आती है और उसका काम होता है यहाँ पर उसका काम क्या होता है उसका काम होता है आपका बेसिकली आ, कोई भी ऐसा मर्जर जो कि Uh, किसी भी तरह के एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं डाल रहा हमारी इकोनॉमी में मीन्स दो ऐसी कंपनीज जो अभी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं दो अलग एक ही काम के लिए दो कंपनीज मान लीजिए अवेलेबल हैं और उन दोनों कंपनीज की मर्जिंग की वजह से किसी भी तरह के कंपटीशन में कमी आ जाएगी या फिर मोनोपोली जैसी सिचुएशन जैसे तो क्रिएट हो जाएगी सो दैट इज वाई कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को रखा गया है कोई भी मर्जर होता है कोई भी कंपनी एक्वायर करती है किसी को तो उससे पहले कंपटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी की पूरी इजाजत लेनी होती है और एक कोशिश सेक्शन के तहत किया जाता है सेक्शन 31, one of the एक्ट 2002, थाउजेंड so, सो ये एक्ट याद रख लेगा क्योंकि बार बार काफी बार आती है राइट सो यहाँ पर होल in जनरल है भारतीय लंबाड में आपका ट्रांसफर हो जाएगा बाई वे ऑफ द डी मर्जन एंड यहाँ पर आपका क्या कहा गया है शेयर होल्डर जो भारतीय जिसके पास दो शेयर हैं उसको भारतीय जितने शेयर एक सौ पंद्रह शेयर आईसीआईसी के पास तो उसको दो शेयर्स मिलेंगे आईसीआईसी लोम्बार्ड के यानी कि उनके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग प्राइस उनका ज्यादा होगा सो दैट इज दे विल बी गेटिंग टू शेयर्स ऑफ दी आई बैंक अगेंस्ट दी वन शेयर्स ऑफ दी भारतीय एक्सा सो दिस इज द न्यूज भारतीय एक्सा एंड दी आईसीसी लोम्बार्ड राइट नेक्स्ट चलते हैं हम सी सी आई

फ्लिपकार्टे यहाँ पर एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है लाइफ प्लस थर्टी सिक्स इलनेस इंश्योरेंस ऑन दी फ्लिपकार्टो ये आपका लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट के ऊपर द पॉलिसी ऑल्डर ऑफ द प्लान विल गेट देनिफिट ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन अलॉन्ग विदाउं डायग्नोस एनी ऑफ दर्ट क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर छत्तीस ऐसी इलनेस को डिफाइन किया गया छत्तीस क्रिटिकल इलनेस को डिफाइन किया गया है जिसके तहत आपका साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस सो लाइफ इंश्योरेंस में मिलेगी एंड छत्तीस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी मिलेगा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रीमियम पे करते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू आप परचेज करते हो एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो प्रोडक्ट आया है उसमें आपको अगर किसी तरह की मृत्यु होती है किसी इंसान की तो उसको भी लाइफ इंश्योरेंस तो मिलेगी मिलेगी प्लस आपको किसी तरह के क्रिटिकल इलनेस होती क्रिटिकल इलनेस उनमें डिफाइन करके उनमें से किसी भी तरह की आपकी बीमारी होती है सो so, यहाँ पर उसका इलाज जो करवाया जाता तो है उसके लिए एक लमसम अमाउंट मिलेगा लमसम अमाउंट इकट्ठा एक पैसा मिल जाएगा ऐसा नहीं है का मिलेगा आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं जब चाहें आप अपनी मर्जी से जब चाहें आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं उसको जहां चाहें आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आपको लगे ओके सो दैट इज दी एगोन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है आपका लाइफ प्लस थर्टी सिक्स क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान ऑन दी फ्लिपकार्ट राइट सो दिस इज दी lump sum amount as well as the upper uh, critical illness insurance bhi hai as well as the life insurance bhi hai.

पर्प से एस डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने इसको यहां पर लॉन्च किया है so यहां पर आपका ये लॉन्च किया गया है आइडियाज That is the, किस द्वारा एग्जाम्पल कि मतलब कि किया गया किसी भी तरह का एक्सीडेंट या फिर कुछ होता है तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस जो दिया जाता है आपका एच डी एफ सी अर्गो ने इसके लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है जो की आपका जो भी आपकी डैमेज होगा उसका इंस्टेंट यहाँ पर डिटेक्शन करेगी उसको एक एक चीज को सर्वे करके देख कर यहाँ पर मोटर क्लेम से रिलेटेड आपका सेटलमेंट यहाँ पर इश्यू किया जाएगा रियल टाइम पे सो so, कैलकुलेशन आपका उसी वक्त इमिजिएट हो जाएगा आपका मान लीजिए कोई कार डैमेज हुई है किसी भी तरह का कोई है तो उसको स्कैनिंग एंड ऑल करके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ आपका क्लेम ऑटोमेटिक सेटलमेंट किया जा सकता है आपका ऐसा किया है एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने एग्जाम पॉइंट जैसे आइडियाज किसके द्वारा एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योटिफिकेश कु दीपक स्पारे हेडक्वार्टर मुंबई और अभी हाल ही में दिया नाम का चैट बोर्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट चलते हैं ओके नेक्स्ट हो गया हमारा जितना मैंने करवाना था ओके सो so, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा आज का एंड बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ लाइक जरूर कर देगा एंड इस सेशन के तुरंत बाद एक एमसीयू क्लास होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है जिस डिस्क्रिप्शन में जाइए अगर लोग नहीं होता तो साइन आप पर आपको करना पड़ेगा एंड साइन अप कर लीजिएगा ताकि मेरे डेली बेस पर जो सात साढ़े सात बजे एमसीू क्लास होती है उसको जरूर अटेंड कर पाओ आप राइट और एनअकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आप मेरी क्लास को सुन सकते हैं एमसी वाली राइट और ये हमारा एक मोक टेस्ट का पैकेज अवेलेबल है आपके लिए डेली बेस आपके लिए वहां पर फ्री मटेरियल डेली बेस पे अपडेट होता है जो मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो हमारी ऐप पे और वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल रहती है आपकी शाम तक अवेलेबल हो जाती है उस पर जो मैंने अभी आप पढ़ाई आपका इवनिंग तक अवेलेबल हो जाएगा चार पाँच बजे तक वहाँ पर ऐप में भी अपडेट हो जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में अपडेट होता है एंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और मॉक टेस्ट हमारा जो पैकेज है जिसमें प्री और मेन्स दोनों के दोनों मोक्स शामिल हैं अकेले प्री के नहीं मेन्स के भी शामिल है बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के वो आपका एनुअल पैकेज केवल इतने प्राइस में अवेलेबल है सब कुछ वहाँ पर एग्जाम लेवल का ऐप मिल जाएगा आपको स्टैटिक uh, अवेयरनेस आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा एंड एक क्विक रिविजन कर लेते हैं फिर हम सी क्लास में चलेंगे राइट right. चलिए uh. आई आर ई डी ए ने एम एन आर ई के साथ साइन किया एम ओ यू एंड एक टारगेट रखा है टू फोर जीरो सिक्स का ओके टू फोर जीरो करोड़ का यहाँ पर एक रेवेन्यू टारगेट सेटअप किया है आई आर डी ए ने दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने एम ओ यू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सो so यहाँ पर आपका एक टारगेट सेट किया है टू फोर जीरो सिक्स करोड़ रुपीज का राइट right. नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैंतीस हजार करोड़ का एमओ साइन किया पंद्रह कंपनीज के साथ यहाँ पर मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट के तहत जो कि मुंबई में हुई जिसमें दस इंडियन एंड पांच ग्लोबल कंपनीज के शामिल हुए है। right. Next, हैं राइट नेक्स्ट चलते हैं आई एस सी प्लस आईओसी ने हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप करने की बात की है सो हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन दी बायोमास गैसिफिकेशन यहां पर यह आपका डेवलप किया गया आई ए एस सी प्लस दी आईओसी मिलकर यहां पर एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी बायोमास गैसिफिकेशन और ये डेवलप की जाएगी फरीदाबाद के इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में नेक्स्ट चलते हैं ड्राफ्ट रूल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने

आयुष मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ टाइप किया जिसके तहत उन्होंने सेटअप किया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलेशन ब्यूरो को जिसके तहत आयुष मंत्रालय के तहत जो भी आपके वर्क करने हैं उनको आपका मदद मिलेगी उनको ग्रोथ एंड उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का आपका एयर वर्जन लॉन्च किया है बे ऑफ बंगाल से लॉन्च किया गया यहाँ पर सुखई फाइटर एयरक्राफ्ट से जोन मागोफुली इन्होंने दूसरी बार जीता प्रेसिडेंट ऑफ द तंजानिया के फॉर्म में वो ऑन द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ द तंजानिया पहले ये 2015 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेक्स्ट चलते हैं हम अलासन ने ओतारा ने जीता आपका तीसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ द आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट तीसरी बार अलाजेना ओतारा नई बिल्डिंग भीमसेन आदर्शा हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि इंडिया के मदद से 25.83 मिलियन नेपाली रुपीस के हेल्प से आपकी बनाई गई उसको इनग्रेट किया गया है इंडियन नेवल आर्यवर्ता जो कि आपका सागर मिशन के तहत दैट इज मिशन सागर टू के तहत आपका सूडान में पहुंची 100 टन का आपका खाने का खाने की चीजें लेकर हंड्रेड टन ऑफ द फूड एंड ये आपका पहुंची सूडान में और फिर साउथ सूडान एंड एरिया में ही यहाँ पर जाएगी यहाँ पर इन कंट्रीज में भी लेकर जाएंगे एंड ये आपका काम करता है मिशन सागर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत फोर्टीन एशियन फिल्म अवार्ड इंडिया की मूवी दैट इज गली बॉय को यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड दिया गया एंड इसके अलावा आफा जो है वो बुजान हॉन्गकॉन्ग एंड टोक्यो यहाँ पर इन तीनों का एक मिशन है ज्वाइंटली इन तीनों एशियन फिल्म फेस्टिवल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है डॉक्टर विलफ्रेड वोंग इसके आपके चेयरपर्सन है ये कुछ और बेस्ट एक्टर याद रख लीजिएगा ली हुन है बेस्ट एक्टर जो डोंगियो है एंड द बेस्ट फिल्म पैरासाइट एंड द बेस्ट डायरेक्टर वोंग शिया शोई है शुआ वर्ल्ड स्ट्रॉगेस्ट फॉर्म सुपर टाइफोन गोनिक गोनी सॉरी गोनी यह आपका यहाँ पर आया फिलिपींस को हिट किया फिलिपींस को हिट किया 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर एंड मेरानती हयान इससे पहले सुपर टाइफोन के फॉर्म में जाने जाते थे आ, इंडिया को उस दिन हमने पढ़ा था पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व मिला इसके अलावा मालदीव को दो बायोस्फेयर रिजर्व मिले एंड टोटल पूरे ग्लोबल लेवल पे 25 नई साइट्स को ऐड किया गया है जो कि 18 कंट्रीज में अलग अलग जगह पे हैं टोटल 714 बायोस्फीयर बायोस्फेयर रिजर्व हो चुके हैं जो कि एक कंट्रीज में आपके फैले हुए हैं नेक्स्ट चलते हैं हम आ, न्यूजीलैंड वोटेड इन फेवर ऑफ द लीगलाइजिंग एथोनेशिया सो पर न्यूजीलैंड ने आपका आपकाशिया uh, को आपका लीगलाइज करने की बात की है एथोनेशिया को लीगलाइज करने की बात की है न्यूजीलैंड के वहां पर लोगों ने इसको वोट किया उसके फेवर में इंडिया में इंडिया भी ये लीगलाइज है आपके एथोनेशिया सिंस मार्च से यहां पर ये है दैट इज द मीन्स विद होल्डिंग ट्रीटमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूस ऑफ लाइफ ओके एथोनेशिया का मतलब ये होता है आपका कि कोई भी आपके ऐसे सपोर्टिंग डिवाइस जो आपके मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपका फॉर्म में लगे हुए हैं उनको हटा देना और उसके बाद उसकी जिंदगी खुद ब खुद खत्म हो जाती है इंसान की दैट इज द इंडिया में ये लीगल है सीसीआई uh, ने आपका मंजूरी दी भारतीय एक्सा के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मर्जिंग को लेकर ओके सो यहाँ पर एक सेक्शन 311 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ये आपकी मंजूरी दी गई है Life ने लॉन्च किया, किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर पर लॉन्च किया है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस गया है इंटेलिजेंट डेमेज डिटेक्शन एस्टिमेशन एंड असेसमेंट सोल्यूशन ये इसका यहाँ पर एक मतलब है दैट इज द ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया अगर लाइक जरूर कर देगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए क्लिक पे लिंक कीजिए हम सी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारा मॉक टेस्ट आप एक बार देख सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट भी सभी के सभी अवेलेबल है एक 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 एग्जाम के सभी फ्री पेस्ट आप उनका लेवल देख सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं और आप जरूर परचेज कर लीजिएगा अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की आने वाले डेज के लिए तैयारी करने जा रहे हैं इस तरह का वो टेस्ट आपको इस लेवल का आपको बहुत ही इस प्राइस पे नहीं मिलेगा इस प्राइस पर नहीं मिलेगा आपको दैट इज रियलीस्ट इफेक्टिव यू कैन परचेज इट बाई विम एज वेल एज बाई इंस्टॉलिंग अवर वेबसाइट टेक केयर बो बाई सीन एंड मिलते हैं इस क्लास